हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूँ। और एक्सेल में एक फंक्शन है, शायद आपने कभी यूज ना किया हो या हो सकता है कभी यूज भी किया हो। क्या है वो फंक्शन, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये एक्सेल 2007 मैंने ओपन किया है और ये पूरा डेटा आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा। और इसमें जो है एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑफसेट। अब ये आमतौर पर पाइथन में भी आप देखते हैं कभी कभी कि आपको पाइथन में भी इस फंक्शन का यूज मिलता है। किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं। इज इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के ही निशान से शुरू होता है। और फिर यहाँ पे ऑफसेट टाइप करते ही देखिए ओ डबल एफ टाइप किया तो नीचे ऑफसेट आ रहा है। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं या टैब प्रेस कर सकते हैं। तो डबल क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये ऑफसेट आ गया। अब कह रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस में आप चाहे तो कोई रेंज ले सकते हैं। अब जैसे ये रेंज भी ले सकते हैं आप, या फिर आप एक सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है रोज और कॉलम की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे यहां पर दो रोज और दो कॉलम, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब देखिए इसमें हाइट और विथ होती है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे हाइट और विथ की भी बात करी गई है, लेकिन अभी हम सिर्फ दो रोज दो कॉलम रखते हैं और इसको बंद करके एंटर करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं 890 आ रहा है, क्योंकि यहां पर हमने यूज किया था क्या, ए टू को पहले सेलेक्ट किया था। तो जरा देखिए ए टू है कहां, ये ए टू है और दो रो और दो कॉलम की बात है। तो यहां से एक रो और ये दूसरी रो और कॉलम, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यानी दो रो। रो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। यहां पर ये वाला रो आएगा, यानी एंटर करते ही आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा 890। अब 890 ही क्यों, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया था। देखिए मैं इसे एक डिफरेंट फॉन्ट में कर देता हूं, ये देखिए ये रेड कलर में कर दिया है, यानी सिलेक्शन हमारा यहां से हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद काउंट कीजिए दूसरी रो कौन आएगी, ये पहली रो हो गई और फिर देखिए ये दूसरी रो हो गई, ठीक है। यानी दूसरे नंबर पे कौन सी रो आ रही है, ये वाली आ रही है, ठीक है। इसको मैं यहां से हाईलाइट भी करता हूं, आप देख पाएंगे। तो हमारा डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। यानी दो रो हो गया, फिर कॉलम की बात आएगी, तो ये पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। तो दूसरे कॉलम में दूसरी रो कौन सी पड़ेगी, यही पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है ये दे रहा है, लेकिन अब इसमें देखिए चेंजेस कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमें दूसरा कॉलम, यहां देखिए ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम चाहिए, तो तीसरा कॉलम तो यहां देखिए ये पहला दूसरा दो ही कॉलम है, तीसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो हम यहां दो ही रखते हैं और यहां पे तीसरी रो कर लेते हैं, रो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे तीसरा रो कर दिया हमने, तो तीसरा रो करेंगे तो ये हमने स्टार्ट तो यहीं से किया है, इसके बाद पहला दूसरा ये तीसरा हो जाएगा। यानी यहां पर बात आएगी तो इस बार रिजल्ट आएगा आपका क्या 1200, ये रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहां पर सेम रिजल्ट आपको दिख रहा है, क्लियर।